ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने आप को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा वे दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी लड़ाई उनकी अपने ही देश के नागरिकों से थी, जो अंधविश्वास और कुरीतियों में जकड़े हुए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय की, जिनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनके पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का भरपूर विरोध किया। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्राह्मण समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के